जहाँ भाव संवेदना है, जहाँ प्यार है, ये इस संसार संसार का निर्माण भाव संवेदना और प्यार पर ही वो संभव हो सका है। वशिष्ठ विश्वामित्र ने अपनी जब शक्ति का वो किया व्याख्या की तो उन्होंने कहा था कि ये गायत्री कीलित जब खुलेगी, जब वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसी आत्माएं आगे आएंगी। वशिष्ठ का मतलब है विशिष्ट सेवा भाव, और विश्वामित्र का अर्थ है जो सारे विश्व को मित्र भाव से देखता हो। ये दोनों शक्तियां जब मिल जाती हैं तो इस सृष्टि के संतुलन का एक क्रम बैठ जाता है। और गुरुदेव ने वशिष्ठ विश्वामित्र जैसी साधना करके गायत्री को न केवल कीलित होने से बंधन मुक्त कराया, बल्कि जन सुलभ के लिए सामान्य भी करा दिया, जिसको लोगों ने यह कह दिया था गायत्री कीलित है, शापित है, इसको महिलाएं नहीं जप सकती, इसको कानों में केवल कही जाने वाली, उसको गुरुदेव ने जन जन के लिए सामान्य कर दिया, जन सुलभ कर दिया। ये कह दिया गायत्री आदिशक्ति सबके लिए है, वो प्यार सबके लिए है। ये प्यार, ये गायत्री कब फलित होती है? केवल मंत्र जप एक बाह्य आवरण मात्र है, केवल कलेवर मात्र है, जब तक उसको जीवन में उतारा ना जाए। बाहर से आप राम 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 बोलते रहिए, राम कुछ अर्थ निकालेगा? राम राम तो तोता भी बोल लेता है। केवल मंत्र जब मुंह से बोला गया, केवल लिप सर्विस है, केवल होठों का एक व्यायाम भर है, जब तक उसमें भाव न जुड़े हो तब। भाव जुड़ने के लिए, गायत्री को सिद्ध करने के लिए गुरुदेव ने तीन शक्तियों का रूप बताया। उनका ये तीन शक्तियां अगर मानव के अंदर आ जाती हैं तो गायत्री फलित होना शुरू हो जाएगी। कौन कौन सी तीन शक्तियां? एक शक्ति वो थी जिसका नाम था उपासना। डॉक्टर साहब ने सुबह दीक्षा प्रकरण में बताया भी, उपासना उसका नाम है। शाब्दिक अर्थों में देखें तो उपासना पास बैठने को कह रहे थे, लेकिन पास बैठने का मर्म जिसने जाना है वो निहाल होता हुआ चला गया है। आप एसी के पास बैठ जाइए, आपको ठंडक मिल जाएगी, स्वतः ठंडक मिल जाएगी, कोई प्रयास करना पड़ेगा, कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। और आग के पास जाके बैठ जाइए, अपने आप गर्मी मिलती हुई चली जाएगी। चंदन के पास बैठेंगे, सुगंधी अपने आप मिलती ही चली जाएगी। अपने इष्ट आराध्य के पास बैठकर अगर हमारे मन के अंदर उनके गुणों का आवरण हमारे अंदर ना आ सका तो हमारी साधना निर्थक होती हुई चली जाएगी। साधना जब उपासना का क्रम तब सार्थक होता है जब मन से समर्पण भाव आता है। समर्पण कैसा? मन से केवल एक ही बात निकलती है। क्या बात निकलती है? ए मालिक, तेरी रजा रहे, तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे।